जिस भी व्यक्ति को जीवन में राग, मोह और मैथुन से रस मिल रहा है, उसके लिए संसार से मोह भंग होना अभी तय नहीं। और जिसने भी यह चाहा कि उसे आध्यात्म की राह पर चलना है और इस नश्वर संसार से मुक्त होना है, उसको चाहिए कि वह बुद्ध के उन मूल उपदेशों को अच्छे से अपने हृदय में बिठा ले, जो संसार से मुक्ति के लिए औषधि की तरह है, जिनसे संसार से विरक्ति होना निश्चित ही होगा। यदि उन उपदेशों पर गहरे से अमल किया जाए, अपने नैतिक दिनचर्या में उतारा जाए। बुद्ध कहते हैं, संसार में दुख है, यह दुख कौन सा है, जबकि हमें तो लगता है कि लोग यहाँ इतना आनंद ले रहे हैं, संसार के रंग तमाशों को भोग रहे हैं, राजपाट, पैसे, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का भोग कर रहे हैं, तो फिर दुख कहाँ है? बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें सुख जैसा लग रहा है और जिन पदार्थों के पीछे तुम भाग रहे हो, वह सुख नहीं। वह सुख जैसा लगता है मगर उसके पीछे दुख है, क्योंकि वह समस्त पदार्थ अनित्य हैं, जो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, और वही पदार्थ जो तुम्हें सुख दे रहे थे, वही पदार्थ तुम्हें दुख देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य अज्ञानतावश, मूर्खतावश यह समझता है कि यह सभी पदार्थ नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, जबकि यह पदार्थ ही नहीं, वह खुद भी यहाँ चंद दिनों का मेहमान है, गिनती की सांसें हैं, और जब यह सांसें पूरी हो जाएंगी तो यह शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। और मनुष्य की अज्ञानता है कि वह विस्मृति में है, वह भूला हुआ है कि मौत किसी भी क्षण आ जाएगी, और यह सभी पदार्थ जिनसे वह खुश हो रहा था, यह भी कभी भी उसके हाथों से चले जाएंगे। न तो उसका अपनी मौत पर बस है और न ही इन नश्वर पदार्थों पर। जिसने भी जीवन की इस सच्चाई को हृदय में बिठा लिया, जो स्मृतिवान हुआ, वही संन्यस्त भी हुआ और वही संसार के आवागमन से मुक्त भी हो पाएगा। अन्यथा अनंत जन्मों तक यह निद्रा, यह बेहोशी, यह तंद्रा टूटती ही नहीं और मनुष्य आता जाता रहता है, मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध कहते हैं, विस्मृति दुख है, आसक्ति दुख है, मोह दुख है, बंधन दुख है, अहंभाव दुख है, तृष्णा दुख है, राग रंग में लिप्त होना दुख का कारण है। मनुष्य अपना अमूल्य जीवन गंवाकर नरकगामी हो जाता है और यह सभी उसके अकुशल कर्मों के भंडार को अनंत गुना बढ़ा देते हैं और वह अनंत समय तक इस संसार में भटकता रहता है। दुख में ही पैदा होता है, दुख को ही इकट्ठा करता है और दुख को संचित कर दुख में ही विदा हो जाता है।